हिंदी इंग्लिश सेंटेंस पार्ट 13, हिंदी इंग्लिश वाक्य भाग 13। बात करने में कुछ भी गलत नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद टॉकिंग, परंतु काम की बातें करें, बट टॉक अबाउट वर्क। हंसना और बात करना अच्छा है, गुड टू लाफ एंड टॉक। अगर किसी ने कहा कल मैं कोकराझार जाऊंगा, इफ समवन सेड टुमारो आई विल गो टू कोकराझार, अगले दिन वो सड़क पर मिल गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज फाउंड ऑन द स्ट्रीट। तब आप हैरान होंगे और कहेंगे, देन यू विल बी सरप्राइज्ड एंड से, अरे आप तो कोकराझार जाने वाले थे। हे यू वर अबाउट टू गो टू कोकराझार। हाँ मेरी यात्रा रद्द कर दी गई है, यस माई ट्रिप इज कैंसल्ड। वही तो मैं सोच रहा था, आप जाने वाले थे, दैट्स व्हाट आई थॉट यू वर अबाउट टू लीव। तुम क्यों सोच रहे थे, वाई वर यू थिंकिंग। मैं चला भी जाऊं तो तुम्हें क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट इफ आई लीव। क्या तुम्हारे पास अपने लिए सोचने को कुछ नहीं, डोंट यू हैव एनीथिंग टू थिंक फॉर योर सेल्फ। और भी कितनी बातें हैं सोचने के लिए, सो मैनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। समाज के सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोचें, थिंक ऑफ द बेस्ट ऑफ सोसाइटी। घर से बाहर जाओ, लोगों को जागरूक बनाओ, गो आउट ऑफ द हाउस, मेक पीपल अवेयर। ये चलती फिरती लाश है, इट्स द वॉकिंग डेड, इसको जिंदा करो, मेक इट अलाइव।